हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जन्माष्टमी के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और कुछ जन्माष्टमी के टिप्स कैसे आप लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही चीज़ें रेडी कर सकते हैं वो जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की पोशाक के लिए मैंने कुछ ये रेडीमेड कपड़े लिए हैं। तो ये लिया है मैंने फ्रेंड्स, येलो शेड में है, बहुत प्यारा शेड है इसका। कैमरे में थोड़ा अलग कलर लग रहा है ये। और एक और कपड़ा लिया है फ्रेंड्स मैंने, वो सी ग्रीन कलर पे है बट यहाँ पर ब्लूइश शेड दिख रहा है। तो ये दो कपड़े लिए हैं मैंने लड्डू गोपाल जी की पोशाक के लिए। और जब भी मैं पोशाक बनाऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये मैंने मार्केट से ही लिया था फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन नहीं ली है। जो ऑनलाइन ली है, जो लड्डू गोपाल जी की पोशाक ऑनलाइन ली है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये देखिए, और ये लेस ली है मैंने ये येलो वाली ड्रेस के साथ लगाने के लिए, तो बहुत प्यारी सी लग रही थी इसके साथ, इस ड्रेस के साथ, तो मैंने ये लेस ली है फ्रेंड। तो देखिए, और ये कपड़े मुझे 120 रुपीज़ मीटर थे, तो उस रेट पर पड़े हैं। लेस मुझे 70 की पड़ी है फ्रेंड्स। ये कुछ रेडीमेड कपड़े लिए हैं मैंने लड्डू गोपाल जी की पोशाक के लिए। वैसे तो लड्डू की 6 से 7 ड्रेसेस ऑलरेडी रेडी है जो मैंने ऑनलाइन ली थी। ये मैंने सोचा मैं खुद बनाऊं लड्डू गोपाल जी के लिए एक दो पोशाक, तो उसके लिए लाई थी फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये सी ग्रीन कलर वाली जो ड्रेस है उस पर मैं ये वाइट फ्लावर्स लगाने वाली हूँ, तो ये फ्लावर्स लाई थी मैं। और ये वाइट पर्ल जो मोती आते हैं वो लाई थी फ्रेंड्स पोशाक के लिए। पोशाक तो बहुत ही अच्छी बनी है और मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर भी करूँगी फ्रेंड्स। तो ये कुछ सामान है लड्डू गोपाल जी की ये सी ग्रीन पोशाक के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी जन्माष्टमी की तैयारियाँ शुरू कर दी होगी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन जो चेन आती है गोल्डन मोतियों की, वो मैंने मोती लिए हैं। ये कुछ फ्लावर्स और लिए हैं मैंने ऑरेंज और येलो शेड में, तो मैंने सोचा था मैं लड्डू गोपाल जी का त्यारा भी बनाकर आप लोगों से शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये फ्लावर्स हैं, तो ये फ्लावर मैंने लिया है येलो ड्रेस के लिए। और ये मोती हैं, ये देख सकते हैं आप, कुंदन वर्क वाले मोती हैं, तो ये मुझे 20 रुपीज़ पैकेट पड़ा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, ये मोती जो कुंदन वर्क के हैं गोल्डन, ये लेस से मैच हो रहे थे इसलिए मैंने ये ले लिए हैं येलो ड्रेस के लिए। और ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं वाइट येलो ऑरेंज, ये मुझे 10 रुपीज़ पैकेट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने यहाँ के लोकल मार्केट से ली है फ्रेंड्स। और ये मैंने कपड़ा लिया था मंदिर के लिए, मैं दिखा देती हूँ इसे पूरा खोल कर। ये कपड़ा फ्रेंड्स मुझे 150 का पड़ा था, क्योंकि मंदिर का साइज़ बड़ा है इस कारण से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लोकल मार्केट से ली है फ्रेंड्स, और अब मैं शेयर करूँगी जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन ली है। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी मुकुट और पोशाक ग्रीन ड्रेस की बना ली है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये कुछ चीज़ें हैं लोकल मार्केट से जो मैंने ली है। एक चीज़ और रह गई फ्रेंड्स, ये बुकरम है जो मैंने लड्डू गोपाल जी की पोशाक के लिए ली है, पगड़ी वगैरह के लिए भी ये काम आएगी, इसलिए मुझे दिख गई थी तो मैंने ले ली। मुझे ये 25 रुपीज़ पर मीटर पड़ी है। और फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की पगड़ी के लिए मैंने एक प्यारा सा ब्रॉश लिया है, ये देखिए। आप लोग तो देखते ही हैं वीडियोज़ में, मैं लड्डू गोपाल जी को पग वगैरह बहुत फ्रीक्वेंट बांधती हूँ, तो मैंने ये ब्रॉश लिया है लड्डू की पग के लिए, और ये मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा है फ्रेंड्स। और ये जो फ्लावर्स हैं, ये तो मुझे मैंने बता दिया, जैसे 10 रुपीज़ पर पैकेट पड़ा है, और मोती भी मुझे 10 या 15 रुपीज़ पर पैकेट पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स जो मैंने
लोकल मार्केट से, अपने घर के पास में ही जो मार्केट है वहाँ से लिया है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए जो मैंने ली है। अब बात करते हैं ऑनलाइन चीज़ें, जो पोशाक और काफ़ी चीज़ें लड्डू गोपाल जी की मैंने ऑनलाइन ली है उनकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, ये 3-पीस ड्रेस है फ्रेंड्स, और पूरा इसमें फ्रिल वर्क है येलो कलर में, बहुत प्यारी ड्रेस है ये। और ये इसका आप देख सकते हैं पटका है और चोली है, तो ये पूरी 3-पीस ड्रेस है। मैं निकाल कर दिखा देती हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी ड्रेस, और इसकी चोली भी देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, ये इसकी चोली है फ्रेंड्स, और ये है पटका। और ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन ली है फ्रेंड्स, ये मुझे पड़ी है अराउंड 250-260 की। और ड्रेस दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ली है। और ये ड्रेस आप लोगों ने लड्डू को पहने हुए भी देखा होगा, जो सावन सेवा में मैंने शेयर किया था लड्डू गोपाल जी का पिक। ये डिजिटल प्रिंट मोरपंख ड्रेस है फ्रेंड्स, इस पे लड्डू बैठ के आराम से झूला झूल रहे थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं चेक की हो तो प्लीज़ आप वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पर। और ये देखिए, कुछ इस तरह से ड्रेस है, रेड कलर की चोली है। ये लड्डू गोपाल जी एक बार पहन चुके हैं ड्रेस फ्रेंड्स, तो ये भी मैंने ली तो थी जन्माष्टमी के लिए ही, लेकिन मैंने सावन में लड्डू गोपाल जी को ये पहना दी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये ड्रेस है, और ये ड्रेस मुझे आई गेस 100-120 ऐसे ही कुछ पड़ी थी। ये एक और ड्रेस है फ्रेंड्स, और बहुत प्यारा स्टाइल है इसका, आप देख सकते हैं। ये स्कर्ट है, और सामने ऐसे यहाँ पर लंबा सा एक ब्रॉश सा लगा हुआ है। ये चोली है, और बहुत प्यारा कलर है इसका, बहुत प्यारी ड्रेस है। इसका कंप्लीट लुक आप तभी देख पाएंगे जब मैं लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहनाऊंगी। और इसके साथ टोपी भी थी लड्डू गोपाल जी की, जो पग है ये देखिए कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो बहुत प्यारी ड्रेस, बहुत यूनिक ड्रेस लगी मुझे, और ये ड्रेस तो मुझे 150 में ही मिल गई थी फ्रेंड्स। तो ये था एक हमारे लड्डू गोपाल जी का एक और ड्रेस, एक बहुत ही यूनिक ड्रेस। आप लोगों को कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर बताना। ये देखिए, ये लड्डू गोपाल जी की सुराही ली थी मैंने फ्रेंड्स, और इसमें ये जो येलो फ्लावर बना हुआ है ऊपर से, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो येलो फ्लावर बना हुआ है ऊपर से, ये इसका ढक्कन है, और ये मिट्टी की ही सुराही है फ्रेंड्स, ऊपर से इसमें ऐसा वर्क है। तो लड्डू गोपाल जी के पास आप आराम से पानी भरकर इसमें रख सकते हैं, और पानी इसमें बहुत ठंडा रहता है। तो ये एक मैंने ली है, और ये मुझे 90 या 100 रुपीज़ में पड़ी थी। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने अलग अलग जगह से शॉपिंग की है, ऑनलाइन शॉपिंग ही है, लेकिन अलग अलग शॉप से है, अलग अलग इंस्टाग्राम पेज से है। तो जहाँ से मैंने शॉपिंग की है उसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक ड्रेस और देखिए फ्रेंड्स, ये पिंक कलर की ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए, ये भी ऑनलाइन ही ली है, और ये ड्रेस मुझे 180-200 की पड़ी थी फ्रेंड्स। ये पटका है इसके साथ, बहुत प्यारी ड्रेस है ये भी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी मैंने ली है, और ये लड्डू की पायल ली है। तो ज्वेलरी मुझे 60-70 की थी, और ये पायल मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी है। एक और ड्रेस है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ग्रीन कलर की ड्रेस है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही सूदिंग कलर है इसका, और ये इसकी चोली है। ये भी 3-पीस ड्रेस है फ्रेंड्स, इसके साथ चोली और पटका दोनों चीज़ें हैं, तो मैं दिखा देती हूँ वो भी। ये हो गई इसके साथ की चोली, और ये कलर इतना प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ फ्रेंड्स बताना। और ये भी मुझे पड़ी है अराउंड 350 तक, 320-350 तक ही थी फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लिए ये मुझे मिले, मैंने वीडियो लेट ये आप लोगों से शेयर की है। ये इसका पटका है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये एक 3-पीस ड्रेस है जो ऑनलाइन ली है लड्डू गोपाल जी के लिए। वैसे तो और भी ड्रेसेस हैं फ्रेंड्स जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, और आप लोगों से मैंने शेयर भी की है, बट अभी तक लड्डू गोपाल जी को वो ड्रेसेस नहीं पहनाई है। तो मैंने जन्माष्टमी के लिए ही कुछ हैवी ड्रेसेस रखी हुई हैं लड्डू गोपाल जी के लिए।
तो ये सारी चीज़ें थी लड्डू गोपाल जी की ऑनलाइन शॉपिंग की जो मैंने ली है। कहाँ से ली है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इंस्टाग्राम पेज है फ्रेंड्स लड्डू गोपाल कृपा के नाम से और लड्डू गोपाल कलेक्शन के नाम से। काफ़ी और इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं काना क्राफ्ट एंजल्स के नाम से, तो ये गोपाल वस्त्रम है एक और। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग जगह से ली है इसलिए मैं स्पेसिफाई नहीं कर पाई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और चीज़ है जो लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने एक पर्स लिया है और ये मुझे 36-40 का ही पड़ा है। बहुत प्यारा है ये और ये खुल भी जाता है ऐसे, जैसे मैंने आप लोगों को अभी खोल कर दिखाया था। तो ये पर्स लड्डू गोपाल जी के लिए लिया और मुझे बहुत यूनिक और अच्छा सा लग रहा था, तो जन्माष्टमी के लिए एक यूनिक चीज़ एक और ले ली मैंने। तो ये कुछ कलेक्शन था फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं कुछ श्रृंगार टिप्स की। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार रिलेटेड टिप्स मैं यही देना चाहूँगी कि अगर आप जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी की हैवी पोशाक बनाना चाहते हैं, अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं लड्डू गोपाल जी की चीज़ें, तो उसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइए। सारी चीज़ें आप घर में आराम से बना सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी की पोशाक हो गई, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी फ्रेंड्स। इजीली आप लोगों को अराउंड 100, 120, 150 तक सारी चीज़ें मार्केट से आ जाएंगी और फिर आप लड्डू गोपाल जी की ढेर सारी पोशाक बना सकते हैं। तो पोशाक कैसे बनानी है इसका आइडिया मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। अब बात हो गई लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी भी आप घर पर ही बना सकते हैं। तिलक वगैरह लड्डू गोपाल जी के लिए आप घर पर बना सकते हैं, इयररिंग्स घर पर बना सकते हैं, इवन नेकलेस जो है वो भी आप लड्डू गोपाल जी का घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और सब्सक्राइबर थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि दी लड्डू गोपाल जी के बाल मुझे नहीं मिल रहे, मैं सब कुछ तो लोकल मार्केट से ले आया बट मुझे केश नहीं मिल रहे। तो फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल जी के केश भी घर पर बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं वो वीडियो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कि आप लड्डू गोपाल जी के लिए डिज़ाइनर केश कैसे घर पर बहुत ही कम कीमत में बिना ज़्यादा पैसे लगाए कैसे आप इजीली बना सकते हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट करना फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी। और बांसुरी भी आप घर पर बनाइए। तो सारी चीज़ें कुल मिला के फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी पर कुछ ना कुछ तो आप घर पर ज़रूर बनाइए। हमारे लड्डू बहुत खुश होंगे वो सारी चीज़ें पहनकर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की झांकी के लिए। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की झांकी जन्माष्टमी के लिए जो आप सजाएंगे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी बलून्स जो आते हैं मार्केट पर वो आप ले लीजिए। बलून्स नहीं है तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो आते हैं वो ले लीजिए। आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी नहीं है फ्रेंड्स तो ओरिजिनल फ्लावर्स जो है आप उसका भी यूज़ झांकी सजाने के लिए कर सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी से जुड़ी काफ़ी आप चीज़ें ले सकते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी की कुछ पिक्स हों आपके पास, अगर आपके पास सखियाँ हैं तो वो भी आप रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी की झांकी पे। सखियाँ रख दीजिए और बाकी भी चीज़ें हैं जैसे लड्डू गोपाल जी की लीलाओं से रिलेटेड, जैसे माखन है, माखन मटकी आपके पास है तो वो रख दीजिए, पेड़ पौधे हैं वो रख दीजिए। तो बहुत ही सुंदर झांकी आप लड्डू गोपाल जी की रेडी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का आसन बनाइए अच्छा सा। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे तो इसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप कुछ और भी हेल्प चाहते हैं या कुछ और भी टिप्स चाहते हैं तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार रिलेटेड टिप्स जो आप घर पर बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए सारी चीज़ें। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके पूछे। और अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप लड्डू गोपाल कृपा फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस आप सभी लोगों को मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।